क्यों होगा? अब आते हैं बाबू, सबसे पहले फ्रॉम सर्किट, फ्रॉम सर्किट, सर कौन सा सर्किट? टू से, दूसरा सर्किट से देखो, दूसरे सर्किट को देखो, क्योंकि तुम लोग क्या जानते हो, सी बराबर क्यू बाई भी होता है या नहीं होता है? होता है ना, इससे सहमत है ना, सी बराबर क्यू बाई भी। अब यहाँ पे सी है क्या चीज़? यहाँ पे सी है सी इक्वलिंग, क्लियर हुआ? तो आप बताओ कि इस चीज़ को अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो क्या लिख सकते हैं? सी इक्विवेलेंट बराबर क्यू बाई भी। कोई दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं हो रहा है? आई होप कि आप समझ पा रहे हो। तो इसी चीज़ को अगर आगे और बढ़ाओगे तो v बराबर क्या लिख सकते हो? क्यू बाई सी इक्विवेलेंट लिख सकते हो या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेशन एक। इस चीज़ को इक्वेशन एक के तरह कंसिडर कर लेते हैं। अब आते हैं बाबू, इसी के कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्या 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 लिखेंगे यहाँ से? फ्रॉम सर्किट फर्स्ट, पहले सर्किट से हम लोग देखेंगे। सर पहले सर्किट में क्या हो रहा है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्या वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बताइए? तो आप बोलोगे ना सर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्यों? चार्ज तो सर सेम है ना, चार्ज क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट? कि मेरे पास अगर हम लोग देखें तो क्यों किसी में क्यों देखो, ये वाला क्यों जो है सेम है, और ये वाला वोल्टेज क्या हो रहा है? इस वोल्टेज को यहाँ यहाँ, तो सप्लाई वोल्टेज जो है देखो, एक तरह से ये इसका पापा हुआ। पापा किसके? ई वाला बेटा को देगा, ई वाला बेटा को, ई वाला बेटा को, मतलब इसके पास जितना पैसा है ये सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। मतलब क्या? इसके पास जितना वोल्टेज है सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। दैट मीन्स वी इज इक्वल टू व्हाट सर? वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। अच्छा, आपके पास सवाल आएगा कि सर क्यू बराबर क्यू वन प्लस क्यू टू, इस तरह का चीज़ क्यों नहीं लिखे सर? आप इस चीज़ को लिए, इस चीज़ को क्यों नहीं लिए? नहीं लेने का एक ही वजह है, क्योंकि चार्ज हर जगह क्या हुआ? सेम। सेम होने का मतलब क्या? अगर ये 5 कूलम्ब गया तो इधर भी 5 होगा, इधर भी 5 होगा, इधर भी 5 ही होगा। दैट मीन्स क्या? सीरीज कनेक्शन है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ले लिए। अब तुम बताओ, चूँकि तुम जानते हो क्या चीज़ जानते हो, देखो बाबू, चूँकि तुम जानते हो सी बराबर क्या होता है? क्यू बाई वी। अगर आपसे पूछा जाता है वी बराबर क्या, या हम लोग हाँ वी बराबर पूछा जाता तो क्या लिखते? इतना सर v1 बराबर क्या लिखते? इतना लिखते या नहीं लिखते? इसी तरह से हम लोग v बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पे? देखिए v1, v1 बराबर क्या? q1 बटे c1, और v2 बराबर क्या जाता है यहाँ पे? q2 बाय c2। क्यों? क्योंकि फिर अगर हम लोग यहाँ पे सोचें तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसी तरह से हम लोग का यहाँ पे सोचेंगे तो क्या लिखेंगे? कोई दिक्कत? अब आते हैं सर, चूंकि सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन में क्या बात बोले थे? हर जगह चार्ज सेम होता है। चार्ज सेम होने का मतलब क्या होता है? ये वाला चीज़ सेम, जितना ई देंगे उतना ही ई, ये वाला भी चीज़ सेम, ये वाला भी चीज़ सेम। हमारे पास क्या आया? वी बराबर क्यू बट्टे सी वन प्लस क्यू बट्टे सी टू प्लस क्यू बट्टे सी थ्री। क्लियर कट? इस सी थ्री, चलिए इतना चीज़ में कोई दिक्कत? अब आपने लोग के पास दोनों चीज़ हो जाता है, तो कहते हैं क्या सर फ्रॉम इक्वेशन एक भी निकाल चुके हैं, इसको इक्वेशन दो निकाल लेते हैं। तो कहता है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे इक्वेशन को देखेंगे और सोचेंगे क्या लिख देंगे। बोलो तो दोनों का जो है एल एच एस बराबर है, तो आर एच एस भी क्या होगा? बराबर होगा ना, तो बताओ तो क्या लिख देंगे? क्यू बटे सी वन, या फिर हम लोग पहला दूसरा इक्वेशन को दे, पहला इक्वेशन में क्या है? क्यू बटे सी इक्वेलेंट बराबर क्या? क्यू बटे सी वन प्लस क्यू बटे सी टू प्लस क्यू बटे सी थ्री। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं होना चाहिए। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग सोचें तो क्या लिखेंगे बाबू? सब जगह क्या है? क्यू कॉमन है, क्यू कॉमन निकाल लेंगे। वन बटे सी वन प्लस वन बटे सी टू प्लस वन बटे सी थ्री। कोई दिक्कत हो रहा है? इधर क्या है? क्यू बटे सी इक्वलेंट। क्लियर हो रहा है? तो इस चीज़ को अगर हम लोग करेंगे तो कैंसिल आउट करके काट देगा, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया? यही आपको अमूमन पूछेगा प्रूफ करने के लिए। क्या क्लियर हो गया? समझ में आया होगा? आई होप कि आपको एंजॉय भी हुआ होगा। सपोज करो कि आपके पास इसका स्पेशल केस 2-3 देख लेते हैं, उसके बाद हमारा क्लास खत्म हो जाएगा। देखो बाबू, अगर कहता है कि इफ वी टेक, अगर हम लोग टेक करते हैं क्या चीज करते हैं? एन कैपेसिटर। देखो बाबू, अगर 3 था तो 3, अगर 4 रहता तो यहां पे एक बढ़ जाता कि नहीं जाता? अगर 5 रहता तो 5 हो जाता, 6 होता तो 6, लेकिन कह रहा है क्या? एन है, तो क्या लिखेंगे? 1 बटे सी इक्वलेंट बराबर 1 बटे सी वन प्लस 1 बटे सी टू प्लस 1 बटे सी थ्री, और एन है तो 1 बाय सी एन। ये वाला भी फॉर्मूला कभी कभी आ जाता है। अब क्या होगा कि इसका एक और स्पेशल केस है, क्या चीज़ है?
स्पेशल केस में कहता है इफ अगर मेरा सी वन बराबर सी टू बराबर सी थ्री बराबर सी एन, अगर सबका सब बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, कोई भी एक कैपेसिटेंस है जिसका सी, तब क्या हो जाएगा, तो तुम ही बता दो। क्लियर, देखो अगर दो रहता तो क्या लिखते हैं, वन बट्टे सी प्लस वन बट्टे सी, देखो यही चीज़ ना, इतना ही करा, दोनों बराबर है तो यही चीज़ लिखते कि नहीं, इस चीज़ को अगर हम लोग सॉल्व करते टू बाई सी लिखते कि नहीं, लिखते कि ना। अगर इसी तरह से अगर हमारे पास एन गो रहेगा तो क्या लिखते हैं हम लोग, अगर एन गो है तो क्या लिखते हैं, वन बटे सी इक्वलेंट बराबर क्या ये हो गया फॉर टू इक्वल कैपेसिटेंस, इक्वल कैपेसिटर, अब मान लो कि एन गो बराबर है तो एन बाय सी, हमको निकालना क्या चीज़ है, सी इक्वलेंट या सी, हमको सी इक्वलेंट निकालना, सी इक्वलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू, तो सी इक्वलेंट बराबर इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, तो ये वाला चीज़ ना मेरा आंसर हो जाएगा, हो गया। तो दिक्कत, कल जो हमारा क्लास जो होगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में सीखेंगे कैसे कैसे सोचते हैं, कल जो है इस पर हम न्यूमेरिकल बनेंगे, इतना चीज़ आप अपना रिविज़न करके रखना। चलो थैंक यू।